अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल स्केचअप के स्केल और रोटेट टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल स्केचअप को ओपन कर देते हैं। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास सोफा है और उसके साथ टेबल पड़ी हुई है, और अभी हमने इसके स्केल और रोटेट टूल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका जो रोटेट टूल है वो देख लेते हैं कि रोटेट टूल को हम किस किस तरह से काम में ला सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम टूल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रोटेट टूल है। रोटेट टूल जो है उसकी शॉर्टकट कमांड क्यू है हमारे पास, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाता है रोटेट टूल। अभी रोटेट टूल अब इस टेबल के ऊपर जैसे मैंने इसको रखा है तो अभी ये ब्लू उसमें आ रहा है। अगर हम एरो की से हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो ये रेड में आ जाता है, और अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास ग्रीन एक्सेस में आ जाता है, रेड एक्सेस में आता है राइट से, और अप से क्या होता है ये ब्लू एक्सेस में आता है। तो अभी ये जो है ये ब्लू एक्सेस में काम करेगा। यहाँ पे हम इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, देन हम इसको इस एंगल पे लाकर इसको दोबारा लेफ्ट क्लिक करते हैं, और अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये ब्लू एक्सेस में रोटेट हो रहा है। यहाँ पर हमने इसको रोटेट कर दिया और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मूव हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है, अगर हम राइट करते हैं, हमारे पास ये रेड एक्सिस के अंदर ये अब रोटेट करेगा। अभी हमने इसको दोबारा कर दिया, फॉर एग्जांपल इस एंगल पे लेके जा रहे, ये देखें अब ये रेड एक्सिस में काम करेगा, और इसी तरह रेड एक्सिस के साथ हमारे पास अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास हो गया ग्रीन। ग्रीन को जैसे हमने किया तो ये देखें ये ग्रीन एक्सिस जो लाइन है ये उसमें इसको रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली ये था हमारे पास रोटेट टूल, हम इससे किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने के साथ साथ हमारे पास जो स्केल टूल है, स्केल टूल क्या काम करता है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसको हम उसका स्केल छोटा भी कर सकते हैं, स्केल बड़ा भी कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ये टेबल है, अभी अगर हमने इसका स्केल बढ़ाना हो तो हम टूल्स में आएंगे सिंपल, और यहाँ पर हमारे पास स्केल टूल ऐसे इसकी शॉर्टकट कमांड है, और हमने इसको प्रेस किया तो अभी स्केल टूल ओपन हो गया है। अभी आप इस स्केल टूल को डिफरेंट एंगल से इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहां से पकड़ के इसका साइज बढ़ाते हैं तो ये ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है ये उसका साइज को बढ़ा इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको साइड से इसको साइज बढ़ाते हैं तो इसकी जो विड्थ है ये इंक्रीज हो रही है। नो डाउट इसकी शेप जैसी बात है वो भी चेंज होगी साथ, और अगर हमने इसकी हाइट बढ़ानी है तो इसको मिड से करेंगे तो ये इसकी हाइट को इंक्रीज कर देगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं इन सबको हमने इकट्ठा एक ही रेशियो से अगर हमने इसको इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है, इसका साइज बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबको सिलेक्ट करेंगे, इसका हमने मेक ग्रुप कर देंगे, ये एक ग्रुप बन जाएगा। और अब अगर हमने इसको शॉर्टकट कमांड एस प्रेस करते हैं इससे हमारा साइज बड़ा होता है, तो अब हम इसको डिफरेंट एंगल से अगर हम इसको साइड से पकड़ेंगे तो ये एक ही रेशियो से सबका साइज बढ़ा रहे हैं और सबका कम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ बड़े ऑब्जेक्ट की, अब ये देखें ये थोड़े से ऑब्जेक्ट खराब हो रहे हैं जैसी बात है, वो ना उसी रेशियो से सबकी विड्थ को बढ़ा रहा है, तो इसी तरह हम इनकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था रोटेट और स्केल टूल। आई होप कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।